हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक्सेल में पढ़ा नेस्टेड इफ, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे फॉर्मूले, ठीक है, जो छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ठीक है, जैसे कि एवरेज, स्मॉल, लार्ज, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारा ये टेबल दी है जिसमें नेम दिया है, सब्जेक्ट दिया है और मार्क्स दिया है, ठीक है, और हमसे कहा है एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मिनिमम नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, जैसे एवरेज कहा है तो हम यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और एवरेज किस सब्जेक्ट का, यहाँ पे हम मैथ्स लिख दे रहे हैं, मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स को हम यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं और यहाँ से ब्लू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैथ्स का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए जैसा आप लोगों को बताया गया है इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ए वी ई, देखिए ये दूसरे नंबर पर एवरेज और टैब, ठीक है। अब मैथ्स का निकालना है तो मैथ्स की जितनी सेल है उसको सेलेक्ट करते जाएंगे, पहली सेल कॉमा, दूसरी सेल मैथ्स की कहाँ है, ये है आपका कॉमा, तीसरी सेल आपकी कौन सी है, उसी के नीचे है C16 कॉमा, फिर C17, ठीक है। अब इसके बाद मैथ्स कहीं नहीं है, किसी सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं है, तो ब्रैकेट बंद और इंटर, तो आपका मैथ्स का एवरेज आ गया 65.75। ऐसे ही अगर आपसे साइंस का या कॉमर्स का कहेगा तो आप इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइंस जिस जिस सेल में है तो वो सेल आप ये वाली, ये और यहाँ और यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमर्स कहेगा तो कॉमर्स जहाँ जहाँ है कॉमर्स वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर, क्योंकि एवरेज हमेशा नंबर का निकलता है दोस्तों, अल्फाबेट का नहीं, ठीक है, तो हम लोग नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल कहाँ है, स्मॉल मतलब आप लोग जानते हैं कि छोटा, ठीक है, पर यहाँ पे स्मॉल का मतलब है, देखिए इज इक्वल टू स्मॉल टैब, देखिए अब कहाँ है अरे, अरे मतलब होती है पूरी रेंज, आपको स्मॉल कहाँ से चाहिए, तो हमने कहा इस नंबर में से चाहिए, ठीक है। अब एक तो और है इसमें के मतलब पूछ रहा है कि आपको जो स्मॉल नंबर चाहिए वो कौन सा चाहिए, कौन सा मतलब सबसे छोटा, छोटे से दूसरा, छोटे से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते एकदम ऊपर तक। तो हमने कहा कि हमें चाहिए थर्ड लोएस्ट, कौन सा चाहिए, थर्ड लोएस्ट, तो ब्रैकेट बंद और इंटर, देखिए 49 आ गया। अब इसमें देख लें कि 49 सबसे छोटा है, देखिए सबसे छोटा आपको 45 दिख रहा है, 45 के बाद 49 और 49 दो बार है तो 49 रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम कर लेंगे, थर्ड की जगह हमने क्या कहा, हमने कहा हमें चाहिए फोर्थ स्मॉलेस्ट, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब देखिए फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या आ गया, 52, 49 ये है, 49 ये, 45 ये थर्ड और 52 ये फोर्थ, ठीक है। लार्ज में भी ऐसे, हाइएस्ट चाहिए, सेकेंड हाइएस्ट, थर्ड हाइएस्ट, फोर्थ हाइएस्ट, फिफ्थ हाइएस्ट, आपका जितना इसमें नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 हाईएस्ट तक जाएंगे तब वहां तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमने क्या कहा, लार्ज, लार्ज टैब, ठीक है, अरे में फिर वही ले लेंगे हम और कॉमा। अब हमने कहा हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट और ब्रैकेट बंद और इंटर, देखिए सेकंड हाईएस्ट 77 है, फर्स्ट 70 है, 8 है और सेकंड 77, ठीक है दोस्तों। अब मैक्सिमम में कोई आपको नंबरिंग नहीं देनी है कि आपको कौन सा मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम में वो टॉप हाईएस्ट दे देगा और मिनिमम में सबसे नीचे वाला, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स टैब, ठीक है। अब आप या तो एक एक नंबर करिए, नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3, या एक साथ पूरा अरे लेके, ठीक है, क्या करेंगे, एक साथ पूरा अरे लेके
और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें 78, और इसी तरह मिनिमम निकल आएगा। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू एम आई एन टैब, इसमें भी पूरा अरे ले लेंगे और ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए सबसे छोटा नंबर 45। तो दोस्तों ये है एवरेज, स्मॉल, लार्ज, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के, जिससे डे टू डे लाइफ में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।